तो भाई सीन ये, जैसा मैंने बताया था कि बहन की शादी है और बुलावा आ गया घर से, कल हम निकल रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए घर। और ये सब कचरा जो देख रहे हो फैला हुआ है पूरा, बैग वैग कुछ पैक नहीं किया है अभी, तो हमें जल्द से जल्द बैग पैक करना है, बहुत सारे काम है आज वो निपटाने हैं, फिर उसके बाद कल सुबह जल्द से जल्द उठ के ट्रेन पकड़नी है और घर निकलना है। फिर हम आपको लेके चलेंगे अपने होम टाउन कटनी, वहाँ पे कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ शूट करेंगे, कुछ बनाएंगे, शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि तुमको मैं शादी से जोड़ के रखूँगा, कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी हो शादी वगैरह सब कुछ शेयर करूँ तुम्हारे साथ, तुम लोगों को सब दिखाऊँ जितना हो सकता है। कुछ चीज़ें जो हमें कभी नहीं भूलनी है, सबसे पहले तो ये जॉन एलिया को साथ में लेके ट्रेवल करेंगे अपन, जहाँ भी जाएंगे जॉन एलिया को पढ़ते रहेंगे। तो ऐसा सीन है कि पैकिंग वैकिंग तो अपनी हो चुकी है पूरी डन, ठीक है, जो कुछ भी करना था, कॉपी वॉपी करना था, कुछ कंटेंट फोन का ही करना था, वो सारा काम भी अपन ने कर लिया है। अब बस कल सुबह जल्दी उठना है, ट्रेन पकड़ना है और कटनी, उसके बाद फिर मिलेंगे आपको मुझसे। तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत थकान हो चुकी है। यार मतलब अपने शहर आने की खुशी ही कुछ अलग होती है, मतलब एक्साइटमेंट इतनी होती है कि हम पहले से ही 15-20 मिनट पहले गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जानी पहचानी से एक मिट्टी की खुशबू आने लगती है अपने शहर की, और साथ ही साथ कुछ जाने पहचाने इलाके सामने आने लगते हैं नज़रों के, उसको देख के दिल खुश हो जाता है और हमें लगता है कि हाँ फाइनली हम अपने शहर लौट कर आ रहे हैं। देखो कब तक आते हैं अमित भाई लेने, बट तब तक हम उनका वेट कर रहे हैं। और यहाँ आसपास कहीं चाय वाय का भी कोई जुगाड़ नहीं है यार, मोहित भाई जाना है चाय पीने के लिए, तो बस अमित भाई आएंगे, उसके बाद अपन मोहित भाई की तरफ जाएंगे चाय पीने। ये हमारे अमित भाई आ गए, ट्रेन में, और अभी अमित भाई के साथ है अपन फाइनली, और अपन जा रहे हैं चाय पीने के लिए। अभी फिलहाल चाय वाय पियेंगे। तो शादी वगैरह से एक फ़ायदा ये तो हो जाता है यार कि पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाती है, घर परिवार रिलेटिव सारे इकट्ठा हो जाते हैं और मिलना जुलना हो जाता है, और कुछ बातें हो जाती हैं, दिल हल्का हो जाता है, और अपने बिजी स्केड्यूल से, अपने जो मोनोटोनस रूटीन होता है उससे ब्रेक लेके हम एक जगह इकट्ठा होके कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बहुत वक्त बाद, तो एक अलग ही खुशी का माहौल रहता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट सी रहती है। जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, साथ में बैठते हैं, कई बातें होती हैं, कई सारी चीज़ें शेयर होती हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है। मामू स्टार्ट कर दिए। यस, ये हमारी दुल्हन जा रही है, हमारी दुल्हन जा रही है, होने वाली दुल्हन है, देख सकते हैं बड़ा प्यारा माहौल हो रखा है माशाल्लाह घर का। बच्चा पार्टी पूरी आ चुकी है और हम सब यहाँ पे इकट्ठा होकर ब्लॉग बना रहे हैं। नायशा, नायशा से हाय। हमारी आर्टिस्ट नायशा खान यहाँ पे अपने काम पर लगी हुई हैं। आज नायशा खान ने पूरा खुद से बनाया है, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है नायशा, आप बताइए आपकी एज कितनी है? 12 ईयर्स ओल्ड हैं, और इनकी कारीगरी देख सकते हैं आप लोग, कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें डिज़ाइन करती हैं। चाय बन रही है। अरे मेरे हाथ की चाय बनाएंगे अपन। चाइल्ड लेबर हो रहा है यहाँ पे गाइस, चाइल्ड लेबर, ठीक है। सारे बर्तन इकट्ठा कर लो और सारे बर्तन धोने हैं तुम लोगों को आज, ठीक है। आपकी चाय चली गई, सॉरी लेट हो गई हो आप, चाय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? रियाल है। रियाल, रियाल कहाँ की वो करेंसी है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की। कितना होता है एक रियाल, कितने रुपए होता है? 20 रुपीज समथिंग। नाइस नाइस। तो यार 23 तारीख का दिन डिसाइड किया गया था हल्दी सेरेमनी के लिए, तो हम लोग जल्दी से 22 तारीख को सो के थोड़ा बहुत 2-4 घंटा सुबह उठते हैं और हल्दी की तैयारियों में सब लग जाते हैं। और मैं आपको अभी आगे विजुअल दिखाऊंगा, ऐसे जो सेरेमनीज होती हैं हल्दी मेहंदी वगैरह, उसमें मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है वो ये की है कि सबसे मुश्किल काम होता है क्राउड को कंट्रोल करना। हल्दी की तैयारियां ऑन द गो हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे पूरा महफिल जम चुका है और
ये मेहंदी का स्टेज यहाँ पे है सामने, ठीक है। तो अभी हमारी दुल्हन जो है वो तैयार हो रही है, उसके बाद धीरे से हम उनके भी शॉट्स लेंगे चल के, और फिर हल्दी का आपको पूरा टूर कराएंगे, मेहंदी का पूरा टूर कराएंगे, फिर निकाह तक भी लेके जाएंगे, विदाई तक लेके जाएंगे, वलीमे तक लेके जाएंगे, सब जगह लेके जाएंगे। चलिए बने रहिए। दुल्हन कैसी हो, तैयारियाँ चल रही हैं? आज तो हल्दी है तुम्हारी। हल्दी की तैयारियाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हल्दी सेरेमनी। पहले मिलाद शुरू होगा और मिलाद के कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो मिलाद क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मिलाद क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलाद के कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हल्दी सेरेमनी स्टार्ट होगी, हम वो शूट करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, मिलते हैं फिर। तो यार मिलाद की बात करूँ तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक तरीके का इंटरेक्शन है, लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं, और कोई भी प्रोग्राम के बिगिनिंग से पहले इस तरीके से कनेक्ट होकर कलेक्ट होकर एक साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ कर भेज कर शुरुआत की जाती है अच्छे कामों की। बस यही है मिलाद, बाकी आप खुद देख लीजिए। इंसान के साथ है, हर इंसान की जिंदगी में उसकी जिस्म की ताकत के साथ की हदीसे पाक है, अन्ने कहा मिन सुन्नते। मैं वीडियो में होनी चाहिए, बोले कैमरा वाला, बोला कैमरा वाला क्या करो, तो वीडियो पोस्ट नहीं होगी, ठीक है भाई। क्या है, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या हो रहा है? ये तो थे हल्दी के कुछ विजुअल्स, बट इसके अलावा भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि आपको अपना बचपन याद होगा, और शायद ये भी याद होगा कि हम अपने बचपन में उतने क्रिएटिव और इतने आर्टिस्टिक नहीं हुआ करते थे, बट आजकल के बच्चे कसम से आप खुद ही देख लीजिए। सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरी, दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाजनी शाही जो। तो भाई ये सीन है बच्चों का आजकल, और अच्छा भी है आजकल, ये बच्चे थोड़े इवॉल्व पैदा ही हो रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाएंगी बच्चे और इवॉल्व पैदा होते जाएंगे। ये फैक्ट है कि हर पिछली जनरेशन से जो अगली जनरेशन होती है वो थोड़ी इवॉल्व होती है, आगे होती है, बेहतर होती है। और ये सारी चीज़ें देख के एक चीज़ याद आती है, निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है कि इन बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ के भी हम जैसे हो जाएंगे। खैर मैंने भी कुछ बनाया है हल्दी का, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, उसको भी देखिएगा। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में।
तरह के जो ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, और हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे किस वजह से ईजाद हुए होंगे, क्यों बने होंगे, क्या सोच कर इन्हें किसी ने बनाया होगा? तो मेरा मानना यह है कि जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो इंसान जो है वो सोशली कनेक्ट रह के ही जिंदा रह सकता है, जी सकता है, और दुनिया से कटकर, लोगों से कटकर कोई इंसान जी नहीं सकता, किसी की ग्रोथ नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी चीज़ का। तो सिर्फ इस कनेक्टिविटी के लिए ही ये सारी चीज़ें ईजाद की गई हैं, और लोगों के इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए। बाकी आप अपनी राय बताइएगा। कल तो हल्दी डन हो गई थी और कल सब कुछ आप लोगों ने देखा, और आज आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सब कुछ हरा हरा है यहाँ पे, सब कुछ हरा हरा है, मतलब समझ रहे हो ना। मेहंदी की तैयारियाँ चल रही है और मेहंदी ऑलमोस्ट चालू हो चुकी है, और थोड़ी देर में मेहंदी डन हो जाएगी, हमारी दुल्हन जो है वो तैयार हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आपको उसकी मेहंदी दिखाएंगे। मेहंदी में बड़ा प्यारा वर्क किया जा रहा है, काफ़ी आर्टिस्ट लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, और खानदान थोड़ा माशाल्लाह बड़ा है, तो समझ सकते हो टाइम तो लगेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मेहंदी कितनी देर से लगवा रही हो आप? एक घंटे से आप मेहंदी लगवा रही हो? आप अकेले एक घंटे से मेहंदी लगवा रही हो? शप्पी क्या हो रहा है? मेहंदी लग रही है। से हाय टू माय सब्सक्राइबर्स। हाँ, तो इस तरह हुई हमारी मेहंदी कंप्लीट, और मेहंदी से याद आया रियाज खैराबादी जी का एक शेर है कि मेहंदी लगाए बैठे हैं कुछ सदा से वो, मुट्ठी में उनकी दे दे कोई दिल निकाल के। तो उसके भी कुछ विजुअल्स हैं मेहंदी के जो शेयर कर रहा हूँ आगे, मैं देखिएगा जरूर। झलक गए नैना तूने मन भर दिया मेरे खाली से दिल को यूं तूने घर कर दिया। झलक गए नैना तूने मन भर दिया मेरे सोने से दिल को यूं तूने घर कर दिया। अधूरी सी राहें मिलाई अधूरी हवाएं चलाई अधूरी सी बातें बनाई इश्क के सिलसिले बन गए रे तेरे दिल से दिल तक मेरे मेरे तेरे दिल से दिल तक मेरे तेरे दिल से दिल तक मेरे मेरे तेरे दिल से दिल तक मेरे। पार्ट के लिए फिलहाल इतना ही, आगे की कहानी अपन शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जाते जाते एक शेर सुनते जाइए जलील मानिकपुरी साहब का कि जाते हो खुदा हाफिज हाँ इतनी गुजारिश है जब याद हम आ जाएं मिलने की दुआ करना। खुदा हाफिज।